हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक, आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मोटर का इरेक्शन करने वाले हैं। जैसे मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उसमें मैंने ब्लोअर का कैसे फिटिंग किया हूँ वो आपको बताया था। आज के वीडियो में हम लोग मोटर को वहाँ पे इरेक्शन करने वाले हैं। हमारे पास हाइड्रा वहाँ पे नहीं जा सकता है जहाँ पे काम हो रहा है, जिसके वजह से उसको मैनुअली हाथ से उठा के जुगाड़ लगा के करना है। तो कैसे जुगाड़ लगाते और कैसे करते हैं, आज के वीडियो में वही देखने वाले हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कुछ आदमी वहाँ पे खड़े हैं जो काम कर रहे हैं, और वही पे मोटर को इरेक्शन करना है। 6 मोटर का है और 6 मोटर को बैठाना है। आपको लोकेशन दिखाता हूँ और पूरा दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे उसको मोटर को इरेक्शन कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो यहाँ पे हमारा सारा ब्लोअर्स है, जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक ये सारा ब्लोअर्स ही है, और इस पे 6 मोटर लगाना है। जो ये मोटर है, एक मोटर की साइज है लगभग 700 केजी तक का, और इसी को हम लोग इसमें इरेक्शन करने वाले हैं। हमारे पास हाइड्रा इसलिए नहीं जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 तक का ब्लोअर का हाइड्रा डाल सकता, आगे हमें हाथ से ही डालना पड़ेगा। इसके वजह से ये पूरा जुगाड़ बनाया गया। जो ये मोटर्स है, एक मोटर्स आप देख रहे हैं, ये तो इजीली है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने चैन पुली का हम लोग यहाँ पे हुक बना दिए हैं, और वहाँ पे चैन पुली लगाने के बाद से इस मोटर को इरेक्शन कर सकते हैं इजीली। पर बाकी का जो भी मोटर है, 5 मोटर, उसको वहाँ पर ले जाना उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो उसको करने के लिए हमारे पास सी चैनल था एक, और सी चैनल को हम लोगों ने इसमें यूज किया है, और हमारे पास जो भी साइट पर अवेलेबल है वो चीज़ें को हम लोग यूज करके इसको इरेक्शन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये मोटर आया है, ये मोटर था हमारे पास वहाँ पे। देखिए, अगर स्टेट हो चैन पुली से उठाना इजी होता है, पर किसी भी चीज़ों को अगर कुछ दूरी है या कुछ एंगल बन रहा है, तो उस समय उठाने पे ये सेंटर पे अपने चैन पुली खींचता है। तो उसको हम लोग करने के लिए, सेव करने के लिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि हम अगर सेव करते हैं यहाँ पे चैन पुली को, तो यहाँ पे से मोटर हमारा इधर भागता और इसको ब्रेक कर सकता था। इसके वजह से इसमें एक रस्सी बांधे, जो विंडो दिख रहा है आपको, विंडो में बांधे हैं वहाँ पे फंसाने के लिए। यहाँ पे कोई फंसाने का जो चीज़ें नहीं था, तो उस चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल किए हैं वहाँ पे एक पाइप बांधकर, और यहाँ से जो भी लोग थे वहाँ पे लगा के रस्सी से खींच रहे थे, फिर उसके बाद से मोटर को इस साइड किए हैं। अब मोटर तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास हुक यहीं पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि सारा के सारा मोटर जो है यहीं पे है, और हुक जो है हमारे पास एक ही यूज हो सकता है। और इस हुक से, इस चैन पुली से हम लोग मोटर को यहाँ से यहाँ खींचेंगे, और इसके बाद से यहाँ से आगे लेके जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और दिखाते हैं आपको कि एक एक करके कैसे होगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे चैनल 2 लगाया गया है, तो सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस ये हो गया है, और ज्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ तक तो हमारा मोटर इजिली आ जाएगा, उसके बाद से 2 मोटर जो है ब्लोअर के लिए, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए दिक्कत होने वाला है। जैसे ये गैप हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अब कैसे हम लोग लेके आएंगे वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से और यहाँ पे लेके आने में हमें प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए देखेंगे लास्ट तक कि यहाँ पे हम लोग कैसे मोटर्स को ला रहे हैं, तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मोटर जो है वहाँ पे उठा है, उसको आप मोटर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा 1x1 करके, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास चैन पुली लगा हुआ है। उस चैन पुली को यूज करके जस्ट वहाँ पर ईजी है लगाना, पर वहाँ से ले कर यहाँ पर आना मुश्किल होगा। तो चलिए लास्ट तक देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे एक मोटर्स को हम लोग यहाँ पे रख दिया गया है, और यहाँ पे रखने के बाद से यहाँ पे अभी सेंटर ये आ गया है। अब इसको क्या करेंगे कि बारी मार के लेके जाएंगे, तो कैसे लेके आते हैं ये भी देखते रहिएगा। थोड़ा नॉइज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे अनवॉइस यहीं पे बोला जा रहा है कि कैसे क्या काम है हो रहा है, तो और भी लोग जो बोलेंगे उसका भी आवाज़ आ सकता है, तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। तो मोटर को हम लोग बारी से धक्का मारते मारते एक मोटर को दूसरे जगह पर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके सारा मोटर्स को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे दूसरे चैनल पर। जैसे कि ये पहला मोटर है, इस मोटर को पहले हम लोग देखिए यहाँ पे सेकंड वाले चैनल पे शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग 3 मोटर को पहले सेकंड चैनल पे शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद से जो फर्स्ट हमारा चैनल है उसको बाद में लगा लेंगे। एक एक करके 3 मोटर यहाँ पे आ गया है, और तीनों मोटर का इरेक्शन अभी करना है, और उसके लिए यहाँ पे सी चैनल जो है वो सी चैनल लगेगा यहाँ पे। यहाँ से उठा कर जो सी चैनल है उसको आगे लगा जाएंगे, जहाँ पे यहाँ से मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए आगे तक करेंगे। हमारे पास 2 सी चैनल था, और दोनों सी चैनल को अच्छे से यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे पहले एक ब्रेक कर दिया हूँ अभी, और
तीन जो मोटर है इस तीन मोटर को एक सी चैनल पे लोड दे दिया हूँ और यहाँ से अब चला जाएगा यहाँ पे। अब शिफ्ट कैसे होगा ये चीज़ों को देख लेते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए जो सी चैनल है जो पहले हम लोग लगाए थे ज्वाइंट किए थे उसको वहाँ से एक हटा के जहाँ पे जो लास्ट का दो ब्लोअर है वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। तो मोटर जो है पास में आ गया ब्लोअर का, अब इसको यहाँ से उतार के चैनल जो है सी चैनल यहाँ से उतार के फाउंडेशन पे रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट लगाना पड़ेगा कि ताकि हाइट हो सके और इसको इजीली हम लोग बाहर निकाल सकें। उसके बाद से इसको सपोर्ट देंगे कुछ उसके सहारे और कुछ बारी के सहारे, उसके बाद से फर्श पे रखेंगे वन बाय वन सारे सपोर्ट हटा हटा के फाउंडेशन पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पे जो अब मेरे को फेस करना है, प्रॉब्लम फेस है करना है या यहाँ पे जो मेरे पास डिफिकल्टी है वो है इस मोटर को सी चैनल से उतार के लकड़ी पे रखना। और लकड़ी पे रखने के लिए हम पहले ही एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा मोटर है उसको घुमाना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब सी चैनल पे मोटर से ये आया था वो दूसरे डायरेक्शन में आया था। अभी जो हमें लगाना है ये पुली के साइड में इसका शाफ्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम हल्के हल्के हाथों से क्या कर रहे हैं कि इसको घुमा लेता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से घूम गया है। यहाँ पर अच्छे आपको रिगर की ज़रूरत पड़ेगी और फिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास हैं, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से मोटर घूम गया। तो यहाँ पे है कि जो भी मोटर्स था हमारे पास उड पे उसको रखा गया था, तो उड से हमें फाउंडेशन मेन फाउंडेशन होता है उस पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट को बारी के द्वारा किया जा रहा है कि हल्के हाथों से उसको उठाएंगे और उसके बाद से जो लो पोजीशन का था थोड़ा सा कम हाइट का उसमें लकड़ी डालेंगे और लकड़ी डालने के बाद से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे निकालेंगे उतारेंगे एक्चुअली यहाँ पे मोटर को फाउंडेशन के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बारीकी से पूरा ध्यान दे के किया जा रहा है कि ताकि कोई भी इस मोटर में डिस्टर्ब ना हो, मतलब कोई भी चीज़ें ब्रेक ना हो, कोई भी चीज़ें इफेक्टिव ना हो। और यहाँ पर नट बोल्ट भी लगा लेंगे एक साइड से नीचे करने के बाद से, और नट बोल्ट लगाने के बाद से दूसरे साइड में हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छे तरीके से ये मोटर को फाउंडेशन पे तो रख दिया गया कि है। सारा मोटर्स की फिटिंग हो चुका है, जैसे कि आपने देखा पूरा प्रोसेस वन बाय वन बताया हूँ कि कैसे इसका इरेक्शन किया गया है और कैसे उठाया गया और कैसे यहाँ पे रखा गया है और कितना हम लोगों को प्रॉब्लम आया उसको कैसे सॉल्यूशन निकाल के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किए और मोटर बैठाया गया है। तो आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे मोटर बैठ चुका हुआ है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।